कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख से 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें पुरानी SOP तकरीबन वही रहेंगी। कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मसलन बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ देने का निर्णय दिया गया। साथ ही साथ जो हमारे राजस्व कोर्ट हैं, राजस्व बाद बहुत समय से सारे कोर्ट बंद होने के कारण रुके पड़े थे, तो सरकार ने निर्णय लिया कि 20 तक की सीमित संख्या तक, जिसमें पुराने और नए केसेज मिला के 20 को राजस्व, सभी राजस्व को न्यायालयों को खोलने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही मिठाई के दुकानों की एक समस्या थी कि मिठाई खराब होने के लिए उन्होंने समस्या कही थी, तो ये निर्णय लिया गया कि मिठाई की दुकानें अब सप्ताह में 5 दिन खुली रहेंगी। साथ ही साथ शादियों में और अंत्येष्टि में दोनों में संख्या को बढ़ाकर 50 तक करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन शादियों में RT-PCR निगेटिव की रिपोर्ट को अभी अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा विक्रम टेम्पो ऑटो जो काफ़ी समय से रुके पड़े थे, उनको भी चलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया, क्योंकि इस समय स्थिति आसान रूप नीचे तो आ रही है, लेकिन इसको एकदम आप इस तरह नहीं कह सकते कि हमने कोविड पर जीत पा ली। व्यापारी भाइयों से भी हमारी अपील है कि थोड़ा परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन ये हफ्ता सबसे महत्वपूर्ण वो हफ्ता होगा, और 15 से 22 के बाद संभवतः सरकार अनलॉकडाउन की तरफ आएगी, और जिससे मैं समझता हूँ कोविड की जंग को जीतने में हमें आप सबके सहयोग से जो है सरकार को जीत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों को देखकर और ग्रामीण बाजारों के लिए इसमें पुनः जिलाधिकारियों का अधिकृत किया गया कि जिलाधिकारी अपने विवेक से वहाँ की स्थिति देखकर निर्णय लें।